हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ जुड़े हैं और ये है मूंग दाल, जिसको मैंने 7-8 घंटे के लिए भिगो दिया था। 7-8 घंटे नहीं तो 6 घंटे तो ज़रूर भिगोइए। और ये बिल्कुल अच्छे से भीग चुकी है, इसका पानी मैंने निकाल दिया है और दाल धुली हुई है, साफ़ है और बिल्कुल अच्छे से फूली हुई है। तो सबसे पहले इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे, जार में डालेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। गर्मियों का, बरसात का मौसम चल रहा है, हरी सब्जियां किसी का खाने का मन नहीं होता है, रोज़ सोचना पड़ता है कि क्या नया बनाऊं। तो आज दाल की सब्जी बनाएंगे, वो भी बिल्कुल नए तरीके से। तो देखिए, पेस्ट मैंने बना के रख लिया है और इसको एक किसी बाउल में निकाल कर अलग रख देंगे। तो सबसे पहले इसको ट्रांसफ़र कर देंगे किसी बाउल में और लेंगे एक दूसरा जार और उसमें थोड़ा सा प्याज और लहसुन, एक प्याज मैंने लिया है और 3 से 4 जवा लहसुन है, इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी अदरक भी मिक्स कर लेंगे और इस सब को पीस कर अलग रख लेंगे। तो धीरे धीरे सारी तैयारियां करते रहेंगे और फिर शुरू करेंगे सब्जी बनाना। तो देखिए, ये प्याज और लहसुन भी अच्छे से ग्राइंड हो गया है, लेकिन इसमें अब हम डालेंगे थोड़े से मसाले इसी जार में। तो यहाँ पे धनिया पाउडर मैंने डाला है 1.5 चम्मच और हल्दी पाउडर अब डालेंगे हम 1/2 चम्मच और इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर और इस मसाले को इसी के साथ फिर से एक बार घुमा देंगे, मतलब मिक्सर ग्राइंडर को फिर से चलाएंगे। तो जब ये मसाले आपस में मिक्स हो जाएंगे तो इसमें हम थोड़ी सी हींग भी मिक्स कर दी है मैंने और इन मसालों को फिर से हम चला देंगे। आप चाहें तो इसमें हल्का सा पानी डाल सकते हैं और ऐसे मसाले चलाने से होता ये है कि मसालों की खुशबू जो होती है बहुत बढ़िया हो जाती है। जब मिक्सी चलती है और ये जार गर्म होता है तो ये मसाले जल्दी से फूल जाते हैं और ये बहुत ही बढ़िया, जैसे सिलबट के मसाले होते थे उस तरह का स्वाद देने लगते हैं। तो यहाँ मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है और गैस पे रख दिया है मैंने पैन। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसमें डाला है 1 चम्मच जीरा और जैसे ही जीरा चिटकने लगे तो इसमें हम डाल देंगे जो मसाला मैंने जार में ग्राइंड किया हुआ है प्याज के साथ में। ये मसाला जैसे ही डालेंगे आपको बहुत भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी। जब कभी सब्जी बनाइए तो एक बार इस तरह से मसाला बना के रखिए तो देखिए आपको कितनी अच्छी सी खुशबू आएगी। अब इस मसाले को अच्छे से भूनना है। तो इसको हम ढक देंगे और धीमी आंच पे पकने देंगे। तो तब तक देखते हैं अपनी दाल को। तो दाल देखिए है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसको अच्छे से फेटेंगे पहले हम। तो नमक के साथ दाल को अच्छे से फेट लेंगे और जितनी बढ़िया फिटी होगी वही बढ़िया रहेगा। तो इसको हम थोड़ा देर फेटेंगे और ध्यान रहे कि गैस पे मसाला रखा हुआ है तो गैस की फ्लेम स्लो ही रहेगी और स्लो फ्लेम पे जब मसाला भुनेगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दाल में मैंने डाल दिया है जीरा 1/2 चम्मच, इसको भी मिक्स कर देंगे और इस दाल को रख देंगे एक साइड में। अब लेंगे एक कटोरी में दही, ये देखिए 1/2 कटोरी लगभग दही है, लेकिन दही थोड़ा सा खट्टा है और इस दही में थोड़ा सा मसाला डालेंगे। तो ये है कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा पाउडर। तो यहाँ पे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर मैंने डाला है और इन दोनों मसालों को दही में अच्छे से फेंट लेंगे। कश्मीरी मिर्च लाल वाली डालने पे होता ये है कि कलर बहुत अच्छा आएगा, तो दही में थोड़ी सी डाल दी है और जीरे पाउडर से तो टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो दही भी देखिए फिट गया है। तो अब इसमें से 2 चम्मच दही हम निकालेंगे मसाले वाला और जो मेरी दाल है उसमें 2 चम्मच यही मसाले वाला दही को डाल देंगे और दाल को दोबारा से फेंट लेंगे। तो दाल तो फिट गई है, तो अभी एक बार मसाला खोल कर फिर से देख लेते हैं क्योंकि मसाले पे भी ध्यान देना है। और देखिए मसाला
अच्छे से भून रहा है और इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। तो देखिए नीचे लगने ना पाए इसका ध्यान रखना है और मसाले को बढ़िया सा भूनना है तो मसाले से तेल बिल्कुल अलग हो जाए। तो मसाले में डाल देंगे हल्का सा नमक क्योंकि इसकी बनानी है हमको ग्रेवी। तो नमक हमने डाला है वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग, ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का नमक डालना है और ये मसाले के साथ में ही भुनेगा। अब दोबारा से इसको हम थोड़ी देर के लिए फिर से ढक देंगे क्योंकि मसाला जितना ज़्यादा देर भुनेगा उतना ही बढ़िया महकेगा और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने तवा लिया है, तवे पे लगा दिया है तेल और चारों तरफ से अच्छे से तेल ग्रीस करके आगे को हम देखते हैं क्या करना है। तो ये है दाल का पेस्ट जो मैंने बनाया था और उसको हम चारों तरफ से ऐसे फैलाएंगे जैसे कि हम डोसा या चिल्ला बनाते हैं। और इसको चारों तरफ से फैला देंगे और फटाफट ये एक ही दो मिनट में नीचे से पक जाएगा। तो हल्का सा तेल चारों तरफ से लगा देंगे जिससे ये छुड़ाने में आसानी रहे। तो कलछी को उल्टी कर इसको हम छुड़ाएंगे और ये फटाफट छूट जाएगा। तो देखिए एक तरफ पका हुआ है और इसको हम दूसरी तरफ नहीं पकाएंगे और इस तरीके से इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं करना है, इसको हल्का सा ही पकाना है और ऐसे ऐसे इसका एक रोल तैयार कर लेंगे और इसको हम टाइट दाब देंगे जिससे कि ये चिपका रहे आपस में, खुले नहीं। तो एक रोल मेरा तैयार हो गया है और इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसी तरीके से दाल का हम दूसरा रोल तैयार कर लेंगे। इतना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट में आपकी सारी दाल के चिल्ले जो हैं वो बन जाएंगे। फटाफट आप डालते जाइए और दोनों तरफ बनाना नहीं है, इसको पकाना नहीं है, क्रिस्पी नहीं करना है, सिर्फ एक रोल तैयार करना है। तो इसको हम हल्का सा डालेंगे जैसे ये अधपका होगा और इसको हम जल्दी से फोल्ड कर लेंगे। और इधर हम अपने मसाले को चेक करते हैं, देखिए मसाला भी मेरा पक गया है। और इस मसाले में अब हम डालेंगे जो मैंने कटोरी में दही बनाया था और इसमें मसाले मिलाए थे, उस दही को मैंने, मसाले वाले दही को इसी मसाले में मिक्स कर दिया है और इन सब को अच्छे से भूनेंगे। तो मूंग दाल की ये सब्ज़ी आप शायद पहली बार बनाएं लेकिन ये बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत ही खाने में टेस्टी रहेगी और कम से कम ऑयल में ये तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इसमें लहसुन और प्याज को अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि दाल की सब्ज़ी है, बगैर लहसुन प्याज के भी बन सकती है। तो यहाँ पे मसाला भुन गया है अच्छे से और इसमें अब हमको ग्रेवी बनाना है। तो जार में जितनी दाल लगी हुई थी उसमें मैंने पानी डाल दिया है और उस दाल को घोल कर हम इसी में मिक्स कर देंगे। और इसको एक दो मिनट भूनेंगे और उसके बाद इसमें हम ग्रेवी को और बढ़ाएंगे, मतलब पानी को और बढ़ाएंगे। देखिए पानी को मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है और ये हो गई ग्रेवी। इसको उबलने का इंतज़ार करेंगे तो थोड़ी देर में ये उबलने लगेगी। देखिए बॉयल आने लगा है, तो जब इसमें बॉयल आने लगे तब हम अपने जो हमने रोल बना के रखे थे मूँग दाल के, उन रोल्स को हम ऐसे चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। वैसे पहले बनती थी सब्जी तो होता ये था, या तो हम भाप में पकौड़ियों को पकाते थे और या फिर पकौड़ियों को तेल में तलते थे। तो इस बार ना तो तला गया है ना भाप में पकाने का झंझट है, फटाफट एक तरफ मसाला भूनिए और दूसरी तरफ रोल को तैयार करिए। तो जो रोल काट के मैंने रखे हैं वो फटाफट इस ग्रेवी में डाल देंगे और ये 1 से 2 मिनट में ही पक जाएंगे, इनको ज़्यादा पकाने में टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए बॉयल अच्छा सा आ रहा है और ढक्कन को 1-2 मिनट के लिए बस हम बंद करेंगे और गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। तो ये सब्जी मेरी मूंग दाल की तैयार हो गई है और मुश्किल से 10 मिनट में ये सब्जी तैयार हो जाएगी। यदि आपने पहले से सोच रखा है और दाल भिगो के रखी है तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा और इस सब्ज़ी को आप किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। यहाँ पे तो मैंने चावल बनाया है और उसके साथ ये मूंग दाल की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, चटपटी सी लाजवाब सब्ज़ी है और इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।
कैसी लगी आपको वीडियो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।